हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बिहार के आरा से है, जहां शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग से 12 साल का एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे को पटना रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। बिहार में पाबंदी के बावजूद देखिए हर्ष फायरिंग की घटनाएं हैं कि रुकी नहीं रही। पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। हर्ष फायरिंग का यह मामला एक शादी समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग हुई, 12 साल का बच्चा घायल हो गया है, बच्चा गंभीर है, पटना रेफर कर दिया गया है। देखिए फायरिंग की घटना 12 साल के बच्चे के साथ बिहार के आरा में हुई है। शादी समारोह के दौरान ये घटना हुई। फिलहाल बच्चे को पटना रेफर किया गया है, हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। लगातार शादी समारोह के दौरान इस तरह की हार्श फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही। बहुत छोटा सा ब्रेक। किसान आंदोलन को लेकर आज दिल्ली NCR में आपके लिए मुश्किलों भरा सबक हो सकता है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।